हेलो दोस्तों दोस्तों, ये हमारे क्लाइंट हैं और इनको जो है गूगल ड्राइव पे बैकअप लेना है। मतलब कि जब भी ये बैकअप ले, ऑटोमेटिक जो इनका गूगल ड्राइव है वहाँ पे बैकअप फाइल ऑटो सेव हो जाए। तो वो किस तरीके से सेटअप करना है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में और चेक करना होगा कि डिफॉल्ट एप्लीकेशन क्या लगी हुई है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोर में दोस्तों कभी कभी दिक्कत आ रही है। और अगर आप गूगल क्रोम से ही करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी। तो गूगल क्रोम नहीं है दोस्तों, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे प्रोग्राम में आना है आपको। प्रोग्राम में आने के बाद डिफॉल्ट प्रोग्राम, अब डिफॉल्ट प्रोग्राम में इनका जो है इंटरनेट एक्सप्लोर बाय डिफॉल्ट सेट है, जहाँ पे हो सकता है कि हमें दिक्कत आ जाए, क्योंकि अभी हमने 2-3 दिन पहले भी किया तो काफी दिक्कतें आ रही है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली गूगल ड्राइव से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा वेब ब्राउजर, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका गूगल क्रोम होगा वो आ जाएगा। अब ये क्या है, बाय डिफॉल्ट हो गया है कि जब भी कोई भी किसी तरह की जो है क्वेरी आएगी तो ऑटोमेटिक जो है गूगल क्रोम पे वो चली जाएगी। अब हम सॉफ्टवेयर में आते हैं और मास्टर में आना है इसके लिए। सॉफ्टवेयर में आपको, तो सबसे पहले तो आपने बाय डिफॉल्ट कर लिया गूगल ड्राइव को, कंट्रोल रूम में कंट्रोल पैनल पे जाके प्रोग्राम, प्रोग्राम में डिफॉल्ट एप्लीकेशन और वेब ब्राउजर में आपने इंटरनेट एक्सप्लोर को हटाकर गूगल क्रोम कर दिया। उसके बाद सॉफ्टवेयर में आप कैसे करना है, आपको मास्टर में आना है। मास्टर में क्लाउड बैकअप सेटअप, इस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद कनेक्ट। कनेक्ट के बाद आपकी जो भी मेल आईडी होगी, जिस मेल आईडी से आपको करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद नीचे एक कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप देख पाएंगे कि जो आपका बैकअप है, जो परमिशन है वो असाइन हो चुकी है, अलाउ हो चुकी है। अब सिंपल आपको अपने सॉफ्टवेयर में आना है और आप देखेंगे कि आपके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक जो भी आपको गूगल ड्राइव पे जितने भी जो स्पेस है, जैसे टोटल स्पेस जो इन्होंने लिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है कि 100 GB इन्होंने स्पेस लिया हुआ, तो वो डिपेंड करता है। फ्री स्पेस जो होता है दोस्तों वो होता है 15 GB का। तो ये आपका कनेक्ट हो चुका है। अब सिंपल आप इसे एग्जिट करें या क्लोज करें, कर सकते हैं। अब हम देखिए दोस्तों, बैकअप लेते हैं। तो आप एग्जिट पे हमने क्लिक किया और एंटर किया, और एंटर करने के बाद जब भी हम बैकअप लेंगे एंटर, और इस वाले ऑप्शन को हमेशा यस रखेंगे हम, गूगल ड्राइव वाले ऑप्शन को, और एंटर एंटर करेंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखना, सबसे पहले इसने लोकल बैकअप किया, अब ये बैकअप कर रहा है आपके गूगल गूगल ड्राइव पे। तो जो ये आपका बैकअप है ये आपके गूगल ड्राइव पे जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वेट करना है, हो सकता है कि कभी कभी कुछ सेकंड आपको ज्यादा लग जाए, क्योंकि इंटरनेट पे डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, अब आपको एक नोटिफिकेशन मिल गया, क्लाउड ड्राइव बैकअप सक्सेसफुली। तो जो इनका बैकअप है अब गूगल ड्राइव पे जा चुका है। अब इसको हम कैसे वेरीफाई करें कि वो गूगल ड्राइव पे सही में गया भी है या नहीं गया? तो जो इनका गूगल ड्राइव है वो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ और उसी फाइल को दिखाता हूँ जो ये बैकअप हुआ है। और उसके बाद आपको आना है गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव में आने के बाद बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर क्रिएट हो गया और यहाँ पे मार्क ERP, और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं इसको हम मिटा देते हैं, और ये जो है फाइल्स आपका बैकअप हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से कोई और आपकी क्वेरी हो, कोई और आपका क्वेश्चन हो, तो आप जो है कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। बाकी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि और भी इस तरह की वीडियोज जो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।